हेलो स्टूडेंट, आज हम हॉर्स क्रीप एंड जंपिंग में से आपको एक ऐसा अमेजिंग ड्राइंग दिखाएंगे जिसे पोटैटो पेंटिंग यानी आप अपने घर जो पोटैटो है उसको अगर आप नहीं काट सकते तो घर में मम्मी पापा भाई बहन से आप ये काम करवाएंगे। ओके, तो बीच से हॉरिजॉन्टल इसको मैं काट के दो, यहाँ से मैंने दो ऐसे पार्ट्स बनाए। दो पार्ट्स में से मैं अब ये नाइफ लेके यहाँ एकदम धीरे से, एकदम ये बहुत हार्ड नहीं होता है इसलिए आप बहुत केयरफुली यहाँ से एक वी कट करके यूँ आप इसको ये निकालेंगे ऐसा। फिर बिल्कुल इसके बाजू में आप ऐसा ही एक वी करके ये आपको अच्छी तरह से यूँ निकालना आना चाहिए ताकि ये इतना इसमें डीप हो जाए। बराबर, तो अब ऐसा बारी बारी पे मैं आगे की ओर करता जाऊंगा। मैं कुछ लीव्स की तरह यहाँ ऐसे शेप्स आपको दिखा रहा हूँ। एक साइड हो जाने के बाद मैं दूसरी साइड भी सेम टेक्निक आप कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। ओनली वन ऐसा डिज़ाइन मैंने बनाया है, मगर आप अगर देखो यहाँ से मैंने एक सीधा कट लगाया यहाँ से और प्लस जैसे क्या बनाया प्लस और ये भाग मैंने निकाल लिया। बराबर, अब सेम टेक्निक में ये इसमें बाहरी भाग में निकाल रहा हूँ। ऐसे कई सारे शेप आपको जो अच्छे लगे आप इनमें से कट कर सकते हैं। बराबर, तो ये जैसे मैंने एक प्लस का निशान बनाया, तो अब आपको वाटर कलर से जो आपके पेंटिंग बुक में पेज नंबर 26 पे रहा ये ड्राइंग, मैं ये कलर्स वाटर्स कलर्स को ब्रश से या एनी वन मेरे पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट से मैं अपनी फिंगर से भी इस पे ये कलर लगा सकता हूँ या ब्रश फिंगर से आप चाहे इतना अच्छी तरह से कलर कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जहाँ मैंने ये कट किया था उसमें ये कुछ दिखाई देता नहीं है। अब मैं इसको स्टैम्पिंग क्या यहाँ स्टैम्प करूँगा तो आपके बुक के अंदर जो डिज़ाइन है ऐसी ही डिज़ाइन यहाँ बनेगी। और एक बात, अब मैं
इसको पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक कागज़ हो वेस्ट, उस कागज़ पे मैं इसको रब कर दूंगा तो ये एकदम साफ हो जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर एक और कलर ग्रीन, ऐसा मैंने एक ग्रीन कलर चॉइस किया। यहाँ ये ग्रीन कलर का डिज़ाइन पड़ा बराबर। और एक कलर लेता हूँ मैं येलो, ग्रीन पे येलो लगाएंगे, अगर साफ नहीं किया तो भी ये येलो का इमेज ही देगा। नाउ आपको साइज एक ही रखनी है ऐसा बराबर। तो आप बारी बारी पे दूर इससे नज़दीक ऐसा एक पेंटिंग आपकी बुक में जो दिखाया गया है बराबर, मैं ये डिफरेंट करना चाहता हूँ तो एक बार और इस पे लगा देता हूँ। फिर मैं एक स्केच पेन पेन लेके ऐसा भी ड्राइंग या मैं फिर ड्राइंग कर सकता हूँ, या फिर बाजू में ये आपको एक डिज़ाइन और दिखा देता हूँ मैं। ये प्लस का जो डिज़ाइन है वो मैं ऐसे बैकग्राउंड में भी मेरे पेंटिंग में लगा सकता हूँ बराबर। तो ये स्टैम्पिंग पोटैटो पेंटिंग, आप कोई भी डिज़ाइन ये पोटैटो में बना के रख सकते हैं और बना सकते हैं।